डोप टेस्ट विच फेल हुए पहलवान नरसिंह यादव की हिमायत विच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आ गए ने। उधर भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने मुड़ तो नरसिंह के खिलाफ साजिश का खदशा जताया है। रैसलर नरसिंह यादव के डोप टेस्ट फेल होने का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा भी अज उठा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नरसिंह के मामले से जरूर कुछ शकी होया, इस लैके उन्होंने खेल मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। भारतीय कुश्ती संघ ने फिर नरसिंह के खिलाफ साजिश दिया खदशा जताया। लेकिन साजिश है और खेल से जुड़े हुए लोगों की ही साजिश है। वो तो जिसने काम कर दिया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका सामना किया जाएगा। अगर कोई साजिश भी होगी उसकी जांच के अंदर भी तो समय लगेगा ना, तो वो एक बात की बात है। हम इंटरनेशनल कोर्ट से बंधे हुए हैं, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय कुश्ती संघ ने फिर नरसिंह के खिलाफ साजिश का खदशा जाहिर किया है। इस दरमियान रियो ओलंपिक भारत की उम्मीदों को एक होर वड्डा झटका लगा है। छटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह भी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। वह पाबंदी शुदा दवा लेने के दोषी पाए गए हैं। इस तो पहला नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में साजिश करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। नरसिंह यादव के अलावा रैसलर संदीप तुलसी यादव भी डोप टेस्ट में फेल हो गए। रिपोर्ट जी मीडिया।